नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग ये बच्चों के खेलने वाले इलेक्ट्रिक जीप जो कि बैटरी से ऑपरेटेड होता है, और आज इस जीप में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बैटरी लगा हुआ है इसमें, उसको चार्ज करने के बाद भी ये नहीं चल रहा है। तो हम लोग आज इसका बैटरी रिप्लेस करेंगे। इसमें 12 वोल्ट का बैटरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, और आपको लाइफ टाइम फ्री में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो आज हमारे पास जो ये बैटरी ऑपरेटेड जीप है, इसका जो प्रॉब्लम है कि इसमें जो बैटरी लगी हुई है उसको हम लोग फुल चार्ज भी कर देते हैं तो ये जो जीप है ये चलता नहीं है, और इसका बैटरी हमेशा लो दिखाता आता है। तो इसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ ख़राब हो गई है। तो हमने इसको बाहर से भी चार्ज करके देखा तो भी ये बैटरी नहीं चार्ज उठा रहा है, और ये बैटरी डेड हो चुका है। तो हम लोग आज इसमें बैटरी रिप्लेस करेंगे, नया बैटरी इसमें डालेंगे, और उसके बाद फिर चेक करके देखेंगे कि ये प्रॉपरली ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, इसके अंदर 2 6-6 वोल्ट की बैटरी लगे हुए हैं। इसको इसमें सीरीज कर दिया गया है, 6-6 कर 2 बैटरी 6-6 का लगाया गया है। तो ये 12 वोल्ट इसको बनाया गया है, मगर इसमें एक्चुअली में 12 वोल्ट का एक ही बैटरी लगना चाहिए, मगर इसमें 6-6 वोल्ट का जो कंपनी से फिटेड होके आया था वो 6-6 वोल्ट का करके लगा दिया है। तो ये कंपनी ने कहीं छेड़छाड़ करके, और इस पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कनेक्शन है किसी में थिम्बल्स का यूज नहीं किया गया, डायरेक्टली लगाया गया। तो हो सकता है कि ये जो सप्लायर है वो इसमें छेड़छाड़ किया हो, इसका ओरिजिनल बैटरी को निकाल कर इसमें 6-6 वोल्ट के 2 बैटरी डाल दिए हो, अब उस बैटरी को हटा दिया हो 12 वोल्ट का बैटरी को। तो हम आज इसमें 12 वोल्ट का एक सिंगल बैटरी लगाएंगे जो 7.5 का एएच का बैटरी रहेगा। इसमें जो बैटरी लगा हुआ है 6-6 वोल्ट का जो है बैटरी है, तो हम लोग इस दोनों बैटरी को हटा लेंगे, और इसके जगह पर हम लोग 12 वोल्ट 7.5 एएच का बैटरी लगाएंगे। सबसे पहले हम इस बैटरी के सारे टर्मिनल्स को खोल लेते हैं सेफली, और ये देखिए बैटरी हमारा बाहर निकल के आ गया। बैटरी के ऊपर एक क्लैंप था, क्लैंप्स को भी खोल लेना था, उसके बाद ये बैटरी बाहर आ जाएगा। देखिए, इसमें जो बैटरी लगा हुआ था हमारा पुराना वाला, ये देख सकते हैं आप, 6 वोल्ट 5 एएच का बैटरी लगा हुआ था। 2 बैटरी थे इसमें, इसको सीरीज करके लगाया गया था, मतलब तो इसको 12 वोल्ट बनाया गया था। यूजुअली क्या होता है कि या तो 6 वोल्ट के बैटरी आते हैं इलेक्ट्रिक जो बैटरी ऑपरेटेड कार होता है, या फिर 12 वोल्ट का होता है। ये 12 वोल्ट का कार है, मगर इसमें 6-6 वोल्ट का 2 बैटरी लगाए गए हैं। अभी जो हम लोग नया बैटरी जो लगाएंगे वो देखिए, ये 12 वोल्ट का बैटरी है। देखिए 12 वोल्ट 7.5 एएच का बैटरी है ये। तो ये बैटरी को आज हम लोग इसमें लगाएंगे। ये लीड एसिड बैटरी होता है, मेंटेनेंस फ्री और लीड एसिड बैटरी होता है, तो इसको हम लोग आज लगाएंगे। इसमें जो हमने उसमें जो पहले से जो सीरीज कनेक्शन था उसको सारे को हटाकर हम इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट पर चलाएंगे, ऑपरेट कराएंगे। तो पहले बैटरी देखिए, इसका जो बैटरी का प्लेस है वो भी एकदम प्रॉपर इसी बैटरी के साइज का है। एक्चुअल में यही बैटरी लगा रहता है, मगर जो हमने जो परचेज करके मंगाया था ये टॉय, उसमें क्या हुआ था कि जो सप्लायर था वो ये एक्चुअल ओरिजिनल वाली बैटरी को रिप्लेस करके वो 6-6 वोल्ट का 2 बैटरी लगाकर और भेज दिया था। तो देखिए, हमने इस बैटरी को लगा दिया। अब क्या है ना कि अब जो हमारे सीरीज में किया हुआ था इसमें थिम्बल्स नहीं लगे हुए थे, तो अभी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे थिम्बल्स लगा लेते हैं। एक रेड कलर का रेड में लगा देंगे और ब्लैक वाला ब्लैक कलर में लगा देंगे, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा नेगेटिव पॉजिटिव का। ये थिम्बल इजी वे में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके उसमें नहीं लगा हुआ है तो आप थिम्बल का यूज कीजिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम तार को लगाते हैं तो लूज कनेक्शन होने से बैटरी डिस्चार्ज होगी जल्दी, और एक और प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज होने में भी प्रॉब्लम आएगा, और लूज कॉन्टैक्ट होने से बैटरी का जो टर्मिनल है वो हीट होगा।
जो कि बाद में जाके शॉर्ट सर्किट हो या फिर तार जो है जल जाए, ये इसलिए इसमें थर्मल का यूज करते हैं जो कि टाइट फिटिंग होता है, जिसके चलते ये बैटरी सेफ रहता है और डायरेक्ट किसी भी मेटल पार्ट से टच नहीं होता है, इसमें कवरिंग किया हुआ है थर्मल्स में। तो इस तरह का थर्मल्स आप लेके लगा सकते हैं, 4 से 5 रुपये में ये थर्मल्स आपको मिल जाएगा इजीली मार्केट में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम जो है ब्लैक वाले टर्मिनल में ब्लैक वाले थर्मल्स को लगा लेंगे और जो बचा हुआ रेड वाला है उसको हम लोग रेड वाले में लगा देंगे। इससे हमारा जो कनेक्शन है ये प्रॉपर हो गया, तो ये कनेक्शन हो चुका है। अब इसका हम लोग जो क्लैंप लगा हुआ है, प्लास्टिक के जो क्लैंप लगे रहते हैं बैटरी के ऊपर दो क्लैंप, तो वो क्लैंप को भी हम लोग फिट करेंगे, क्योंकि अगर क्लैंप नहीं लगाते हैं तो बैटरी क्या है ना कि इधर उधर हो सकता है, या कभी गाड़ी पलट गया तो भी बैटरी नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो इसलिए इसमें क्लैंप को लगाना ज़रूरी है। क्लैंप लगा रहेगा तो बैटरी इधर उधर मिसप्लेस नहीं होगा, तो क्लैंप हम लगाएंगे सबसे पहले इसमें। जैसा कि देखिए इसमें दो क्लैंप पहले से लगे हुए थे, क्योंकि इसमें दो बैटरी लग के आया हुआ था तो दोनों बैटरी पर एक एक क्लैंप लगे हुए थे, मगर ये बैटरी का जो लेंथ है वो बड़ा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दो क्लैंप लगा देंगे दोनों साइड से, जिससे बैटरी हिलेगा नहीं। इसमें चारों स्क्रू है, पहले स्क्रू सबको टाइट कर लेंगे हम लोग प्रॉपरली, इससे क्या होगा कि वायर भी इधर उधर नहीं हिलेगा और स्क्रू टाइट प्रॉपर हो जाने से बैटरी भी इधर उधर नहीं हिलेगा। तो ये इसका जो प्रॉपर तरीका है ऐसे ही काम करने का, तो इसको हम प्रॉपर वे में काम करेंगे, जिससे ये आगे कोई शॉर्ट सर्किट होने का या फिर कोई भी चीज़ दिक्कत होने का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी वायर इधर उधर नहीं होगा जिससे जाके आगे प्रॉब्लम करे ये व्हीकल्स में। ये चारों स्क्रू प्रॉपरली टाइट हो गया है, बैटरी जो है पूरी तरह से टाइट हो गया है, एक बार एश्योर हो जाते हैं बैटरी हिल नहीं रहा है, प्रॉपरली टाइट हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे स्विच ऑन करके, देखिए ये साउंड आ रहा है, इसका जो म्यूजिक है वो भी प्ले हो रहा है, काफ़ी लाउड साउंड आ रहा है, इसका मतलब बैटरी प्रॉपर इसमें चार्ज है और इसका बैकअप भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये 12 वोल्ट का 7.5 जो एच का बैटरी होता है इसमें बैकअप अच्छा होता है, तो इसमें मान के चल सकते हैं कि आधे घंटे का से 45 मिनट का बैकअप ये देता है, चलता है, तो ये बैटरी ठीक रहता है। अब हम इसका सीट जो है उसको लगा लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे ही बैटरी होता है, तो इसको लगा लेते हैं पहले, इसको ये दो स्क्रू से इसको टाइट करना है, इसके सीट बेल्ट को साइड से अलग कर लेंगे ना तो उसके अंदर दब जाएगा। सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, छोटे बच्चे को अगर बैठाना है तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, जिससे बच्चा गिरे ना। तो इसके जो सेंटर पोजीशन को मिलाकर इसमें जो दो स्क्रू हैं और दोनों स्क्रू को लगा लेना है। दोनों स्क्रू को प्रॉपरली टाइट कर लेना है, क्योंकि अगर ये लूज रहेगा तो सीट गिर जाएगा और जिससे बच्चे इस पर बैठते हैं और बैठने के बाद अगर इधर उधर हो जाए ये सीट निकल जाए तो बच्चे को चोट लगने का डर रहता है, तो इसको प्रॉपरली टाइट कर लेना है अच्छे तरह से। चलिए अब एक बार सारा कुछ फिटिंग हो चुका है, अब हम लोग इसको एक बार फाइनल चेकअप करते हैं, सब कुछ ओके है या नहीं है, ऑन करके देख लेते हैं। देखिए ये प्रॉपरली साउंड आ रहा है, इसके हॉर्न भी बज रहे हैं, म्यूजिक भी आ रहा है और साउंड भी अच्छा लाउड है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।